हेलो, मैं हूं कुशाग्र सिंह। आज आपका फिर से स्वागत है मेरे एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कॉनकोर के बारे में। अब इस बार मैं एक फिर से नई सीरीज लेके आ गया हूं, जिसमें कि आपको इंडियन रेलवेज की सारी सब्सिडियरी कंपनीज के बारे में जानने को मिलेगा। मतलब कि जैसे कॉनकोर हो गई, IRFC हो गई, IRCTC, तो इसके जैसे जितनी भी कंपनीज है जो कि आती तो PSU में है, मतलब कि पब्लिक सेक्टर यूनिट, लेकिन इंडियन रेलवेज की उसमें बहुत सारे शेयर्स है और लगभग इंडियन रेलवेज ही उसे हैंडल करता है। तो ये सारी कंपनीज के बारे में मैं एक पूरी सीरीज निकाल रहा हूँ। तो इसका जो सबसे पहला वीडियो है ये आएगा कॉनकोर के बारे में। तो कॉनकोर का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूँ। कॉनकोर का मतलब होता है कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। तो ये क्या करता है, तो जितना भी ट्रांसपोर्टेशन और हैंडलिंग है कंटेनर्स की, तो ये सारे काम कॉनकोर देखता है। मतलब कि इंडिया में जितने भी कंटेनर्स चल रहे हैं, चाहे जहां भी आप देख लीजिए, भले वो मालगाड़ी में हो, प्लेन में जाए, शिप में जाए, तो वो सारे के सारे कॉनकोर ही हैंडल करता है। और इसमें कई सारे शेयर्स इंडियन रेलवेज के भी हैं, पर मेनली इसका काम यही है कि ये कंटेनर को हैंडल करता है। लेकिन अब इसकी जरूरत क्या पड़ी, तो मैं आपको बता दूँ। अब पूरे दुनिया में जितना भी गुड्स को हम ट्रांसपोर्ट करते हैं, मतलब भले ही हम इम्पोर्ट करें या फिर एक्सपोर्ट करें, तो उसके लिए कंटेनर्स का यूज किया जाता है। अब ये रहते हैं ISO सर्टिफाइड, और इसके अंदर में आप कुछ भी गुड्स रख सकते हैं। मतलब कि जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रहा हो, जैसे कि कॉस्मेटिक्स हो गया, क्लोदिंग हो गई, कपड़े हो गए आपके, या फिर कुछ भी ग्रोसरी हो गई, फूड आइटम्स, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स, गाड़ियाँ, सब्जियाँ, तो इसमें कुछ भी जा सकती है जितना भी गुड्स हो। और जो कंटेनर होते हैं तो क्या रहते हैं भैया, एक डिब्बे के टाइप में रहते हैं, जैसा कि आप फोटो या वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इनको कहीं भी ट्रांसफर कर सकते हैं, मतलब कि इन्हें प्लेन में भी लेके जा सकते हैं, इन्हें शिप्स में रख के लाया जाता है, या फिर इन्हें ट्रेन्स में भी रख सकते हैं। और ट्रेन्स के बाद मान लीजिए अगर इनको छोटे डिस्टेंस के लिए लेके जाना हो, तो फिर इन्हें ट्रक्स में भी डाल के लेके जाते हैं। तो ये कहीं भी फिट हो जाते हैं, इनको बस उठा के कहीं भी रख दीजिए और लॉक कर दीजिए, उसके बाद ये आराम से लॉक हो जाते हैं। और बहुत अच्छी तरीके से लॉक होते हैं, मतलब इतने आसानी से नहीं खुलते। तो इसीलिए ये काफी ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है गुड्स की सप्लाई चेन बनाने के लिए। तो लगभग 1966 में कॉनकोर की नींव रखी गई थी। उस टाइम पर इंटर मॉडल फ्राइट ट्रांसपोर्ट बनाए जा रहे थे, क्योंकि गुड्स की डिमांड तो भैया हर जगह थी इंडिया में, और इस डिमांड को पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो आपको बनाना ही पड़ेगा, तभी तो ये डिमांड आप पूरी कर पाएंगे। ट्रांसपोर्ट सिस्टम को आपको बेहतर करना पड़ेगा, और ट्रांसपोर्ट के मामले में जो सबसे सस्ता चीज पड़ता है वो पड़ता है रेलवे। तो इसीलिए सबसे पहले तो रेलवे ने इस चीज की शुरुआत करी कि वो कंटेनर को लेके जाना और आना शुरू करे। लेकिन कुछ ही टाइम बाद लगभग 1988 में कॉनकोर को बना दिया गया। अब ये इसलिए बनाया गया ताकि जितने भी जो कंटेनर्स थे तो उनको हैंडल किया जा सके, मतलब कि वो कब कहां पे जा रहे हैं, उन्हें कौन संभालेगा, उन्हें कौन रखेगा। तो इसके लिए एक अलग से ही पूरी सरकार ने एजेंसी बना दी, और यही सब कुछ पूरे इंडिया में हैंडल कर रहे हैं। तो इंडिया में कार्गो और गुड्स को ट्रांसफर करने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा फायदा हो गया जब से कॉनकोर बना है। और साथ ही मैं बता दूं, अब तो मालगाड़ियां बहुत ज्यादा चल रही हैं, और हमारी सरकार जो है वो मालगाड़ियों पर ध्यान भी बहुत ज्यादा दे रही है। साथ ही साथ DFC बन गए हैं, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो इसमें क्या रहता है कि भैया धड़ाधड़ मालगाड़ियों को चला रहे हैं, सिर्फ मालगाड़ियों के लिए अलग से लाइन बनाई गई है, और यहाँ पर इतने सारे कंटेनर्स चल रहे हैं, जिस वजह से गुड्स का जो मूवमेंट है वो काफी ज्यादा फास्ट हो गया है। और इसीलिए जो कॉनकोर है वो भैया और कमाई कर रहा है। तो इस समय अगर मैं आपको बताऊं तो कॉनकोर की नेट इनकम है लगभग 504 करोड़ रुपए, इंग्लिश में कहें तो 504 करोड़। और वहीं अगर मैं इसके एसेट्स के बारे में आपको बताऊं तो ये है टोटल 12,195 करोड़। तो अब आप समझ सकते हैं कि अब कितने सारे एसेट्स हो चुके हैं, और लगभग इसमें 1400 एम्प्लॉयज भी हैं पूरे इंडिया में। अब हर जगह ICD बनाए गए हैं, जिसे हम कहते हैं इनलैंड कंटेनर डिपो। तो यहीं पर क्या होता है कि मालगाड़ियां जब भी आती है तो उन कंटेनर्स को निकाल दिया जाता है, या फिर जो दूसरे कंटेनर्स हैं जिनमें की गुड्स है तो उन्हें उसमें चढ़ा दिया जाता है। और ऐसे ही कई सारे वेयर हाउसेस भी बने हैं, जहां पर जो कंपनीज है वो अपना सामान ला के रख देती है, और उसी सामान को कंटेनर्स में रख के जो कॉनकोर है वो पूरा सप्लाई चेन बनाती है। और इंडियन रेलवेज भी इससे पैसा कमाती है, और सरकार भी पैसा कमाती है, और जो कंटेनर्स है वो भी बराबर और जल्दी ट्रांसपोर्ट हो पाते हैं। अब जो शिप्स में कई सारे कंटेनर आते हैं, तो अलग अलग कंपनीज अपने खुद के कंटेनर बना के रखती है, वही शिप्स में पूरा भेजती है। और मैं आपको बता दूं, शिप्स जो है वो सबसे ज्यादा सस्ता पड़ता है उसमें ट्रांसपोर्टेशन। शिप्स के बाद अगर सबसे सस्ता ट्रांसपोर्टेशन है तो वो ट्रेन्स में ही पड़ता है। तो लॉजिस्टिक पार्क्स बनाए जाते हैं, जहां पर कि शिप को लगाया जाता है, फिर वहां से कंटेनर को निकाल के एक जगह रख देते हैं, और फिर बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उसे वापस से ट्रेन में लगा देते हैं। तो ये तो जहां जहां बंदरगाह है वहां पर ऐसा होता है, उसके बाद ये जैसे ही चलते हैं। तो इंडिया में टोटल लगभग 61 इनलैंड कंटेनर डिपो बनाए गए हैं। तो जहां जहां भी ये बनाए गए हैं, आप मैप में लोकेशन देख ही पा रहे होंगे, तो जहां भी इनको लेके जाना होगा तो सबसे पास वाले ICD में इनको ले जाके ट्रेन से उतार लेंगे, और उसके बाद इन्हें ट्रक में भेज देते हैं, जिससे कि जो प्रॉपर सप्लाई चेन है वो बन पाती है। अब मैं आपको उन वैगन्स के बारे में बताता हूँ जो कि इन्हें लेके जाते हैं। वैगन्स का मतलब हो गया कि मालगाड़ी के डिब्बे। अब कंटेनर को लेके जाने के लिए अलग से एक BLC वैगन बनाया गया है, जिसका फुल फॉर्म है बोगी लो कंटेनर।
इसके भी कई सारे टाइप्स होते हैं, BLCA, BLCB, BLCM, BLCBM, BLCS, BLCM। तो ये तो इंडियन रेलवे कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत मॉडिफिकेशन करके अलग अलग अपने टाइप्स बनाती रहती है, लेकिन इन सबका बेसिक काम यही है कि ये कंटेनर को लेके जाते हैं। और ये थोड़े अलग टाइप की मालगाड़ी होती है, इसमें अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 5 डिब्बों की जो कपलिंग है उसे आप खोल नहीं सकते हैं, मतलब कि हर 5 डिब्बों का एक यूनिट रहता है लगभग, और उसके बाद एक कपलिंग आती है जिसे कि खोल सकते हैं। मतलब इसकी जो भी मालगाड़ी बनती है तो उसमें 5 डिब्बे 5 डिब्बे 5 डिब्बे ऐसे करके लगाए जाते हैं। जैसा कि आप देख ही पा रहे होंगे कि वो जो 5 डिब्बों का यूनिट है तो उसमें बीच में ऐसी कपलिंग होती है जिसे खोल नहीं सकते, और जैसे ही वो यूनिट निकल जाता है तो उसके बाद एक ऐसी कपलिंग आती है जिसे कि खोल सकते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, इनकी जो मैक्सिमम स्पीड होती है वो होती है 100 किलोमीटर पर आवर की। तो अब आप सोच सकते हैं कि इन्हें काफी तेज भी चलाया जाता है, और जो भी थोड़ी जल्दी खराब होने वाली चीजें रहती हैं तो उन कंटेनर्स की मालगाड़ियों को थोड़ा जल्दी चलाया जाता है। मतलब स्पीड तो 100 ही रहती है, लेकिन थोड़ी प्रायोरिटी दी जाती है कि वो जल्दी अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचे। और इसमें भी एक और टाइप होता है, अब कंटेनर के ही रूप में टैंकर भी कई बार लगा दिए जाते हैं। अब इसमें इंडस्ट्रियल कई सारा सामान लेके जाते हैं जो कि थोड़ा जल्दी खराब होता है, तो उसे फटाफट से पहुंचाने के लिए ऐसे भी बनाए जाते हैं। और साथ ही मैं आपको बता दूं, ज्यादा गुड्स लेके जाने के लिए एक कंटेनर के ऊपर एक और कंटेनर भी रखा जाता है, इसे हम कहते हैं डबल स्टैक वाली मालगाड़ियाँ। तो जितनी भी डबल स्टैक गुड्स ट्रेन होती हैं, तो ये हर जगह तो नहीं चलती, लेकिन DFC जो हो गया, अब उसमें वेस्टर्न DFC और ईस्टर्न DFC दोनों आते हैं, फिर गुजरात में कुछ पोर्शन और राजस्थान में कुछ पोर्शन, तो यहाँ पर डबल स्टैक कंटेनर की मालगाड़ियाँ चला करती हैं, जिसमें कि एक के ऊपर एक कंटेनर लगाए जाते हैं। अब पहले तो इन्हें डीजल इंजन से खींचते थे, लेकिन अब यहाँ पर इलेक्ट्रिफिकेशन भी होने लग गया है, और इंजन के आगे हाई राइज पेंटो लगाया जाता है। अब जो पेंटोग्राफ होता है उसका मतलब ये है कि वो एक डिवाइस है जिससे कि जो वायर में इलेक्ट्रिक करंट होता है वो इंजन तक जाता है, जैसा कि आप यहाँ वीडियो में देख ही पा रहे होंगे। तो उसके बाद से इलेक्ट्रिक इंजन ही इन्हें लेके जाते हैं, और इलेक्ट्रिक इंजन आपको पता ही है कि भैया बहुत कम कॉस्ट आता है उनको चलाने का, जिस वजह से ये मालगाड़ियाँ काफी ज्यादा सस्ते में चलती है। अगर हम ट्रक के मुकाबले में कंपेयर करें तो लगभग 10 गुना सस्ती पड़ती है मालगाड़ियाँ। तो जितनी भी कंपनीज है तो जो भी अपना गुड्स या फिर कार्गो लेके जाती है तो मोस्टली आजकल कॉनकोर के साथ ही लेके जाती है, जिससे कि उन्हें बहुत सस्ता भी पड़ता है, और आजकल तो ऑनलाइन इसकी ट्रैकिंग भी होने लग गई है। अब इंडिया में टोटल 61 ICD है, जो कि आपने इन मैप में देख ही लिया है, तो इससे आपको पता चल गया होगा कि इंडिया की जो सप्लाई चेन है वो काफी ज्यादा अच्छी बनते चले जा रही है। इसके बाद देखते हैं कॉनकोर और भी अपना विस्तार करेगा और धीरे धीरे इन सब चीजों को और भी बढ़ाएगा। लेकिन आई होप आप इसके बारे में समझ गए होंगे कि ये कैसा PSU है। वैसे तो ये इंडिया की गवर्नमेंट के अंडर में आता है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा शेयर इंडियन रेलवेज के हैं, तो यहाँ पर आप मान सकते हैं कि इंडियन रेलवेज ही लगभग एक तरह से इसे ऑपरेट कर रहा है। तो ये इंडियन रेलवेज की एक सब्सिडियरी कंपनी है, जिसके बारे में आज हमने अच्छे से समझ लिया। तो अगर अब भी कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इसके बाद की वीडियो में मैं आपको IRCTC के बारे में भी समझाऊंगा, फिर ऐसे ही धीरे धीरे करके मैं आपको सारी सब्सिडियरी कंपनीज की पूरी एक प्लेलिस्ट ही बना दूंगा। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर से करें। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में ट्रेन्स की बहुत सारी जानकारियों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। धन्यवाद।